વાપીમાં એક મકાનમાં રહેતા બે વૃદ્ધને લૂંટારોએ નિશાન બનાવ્યા હતા અને ચપ્પુની અણીએ 2 લાખના દાગીના અને રોકડ રકમ મળી હોન્ડા સિટી કારની પણ લૂંટ કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। समग्र घटना अंगे पुलिस सूत्र द्वारा मिलती माहिती अनुसार उदना उद्योगनगर रोड नंबर 6 पर आवेल यूनाइटेड एग्रो इंडस्ट्रीज नामना कारखाना में गत रात्रि ना समय बे अजाणिया साथी चोरे कारखाना ऊपर ना पहला माळे आवेल नवा मशीन ना यूनिट नी पाछळ आवेल संडास बाथरूम नी बारी ना थांबला पासे थी अडी संडास बाथरूम नी बारी नो वेंटिलेशन ना कांच काढ़ी अंदर प्रवेश करी कारखाना माथी मशीन नी इटाली कंपनी नी बनावट नी बेनंग पितळ नी डाई जेनी किंमत रुपया 1,50,000 छे चोरी करी नाशे छूट्यो हतो। घटना अंगे कारखाना ना मालिके उदना पुलिसे बे अजाण्या साथी चोरे विरुद्ध फरियाद नोंधावी हती। कंपनी पास्ता अने सेव ने फूड आइटम बनावानुं काम करे छे एनी जे मशीनरी छे इम्पोर्टेड छे इटाली थी आयात करी मशीनरी छे એમાં જ્યારે કાંડ સોલ્વ કર્યો ત્યારે મશીનરીની અંદર બ્રાસની ડાય આવે છે અલગ અલગ શેપ આપવા માટે પાસ્તા અને સેવને એ 2 ડાય અને એની સાથેના કોમ્પોનન્ટ્સ છે એ વસ્તુની ચોરી થઈ છે અને પાછળનું જે બાથરૂમનું વેન્ટિલેશન છે એની અંદરથી પ્રવેશ કરી ફેક્ટરીના કમ્પાઉન્ડની પાછળ ઇલેક્ટ્રિક પોલ જે રહેલો છે પોલ જે ઉપરથી ચડી અને નીચે અંદર પ્રવેશ કરી અને ચોરી થયેલાનું જણાય છે। સીસીટીવી ફૂટેજ વગેરે આધારે આરોપીને શોધવા માટેના પ્રયત્નો ચાલુ છે। 1.5 લાખ જેવી કિંમત હાલમાં ગણી શકાય કારણ કે ટેકનિકલ વસ્તુ છે ટેકનિકલ 2 ડાય છે ટેકનિકલ વસ્તુની કિંમત જે માણસ ઉપયોગ કરતા એના માટે કિંમત હોય છે બાકી તો બ્રાસ મેટલ તરીકે એનો ઉપયોગ લઈ શકે ચોરી કરનારી સર આ સર 1.5 લાખ જેટલી કિંમત છે। જી વિવેક મોહન सर हम हमारा यूनाइटेड एग्रो इंडस्ट्रीज़ के नाम से उदना में फैक्ट्री है हम लोग पास्ता बनाते हैं। साहब ये वारदात जो है 13 तारीख रात का है लगभग 12 बजे तो आप अगर सीसीटीवी देखेंगे तो 14 तारीख की तारीख दिखाएगा क्योंकि सुबह 12 बजे रात को 14 तारीख को साठ वाली फैक्ट्री या पीछे एक बिजली का थांबला है वहाँ से चोर अंदर आया और हमारी जो पास्ता की मशीन के अंदर डाई चलता है पीतल का डाई होता है करीब 70-80 किलो का उसका वजन होता है वैसे 2 डायल हम लोगों ने स्टैंड में रखी थी वहाँ से निकाल कर बाथरूम के रास्ते वो लोग आए थे और निकाल कर लेके गए। 14 तारीख को हमारे 2 प्लांट हैं एक प्लांट नीचे एक प्लांट ऊपर है तो 14 तारीख को हमारा प्लांट नहीं चला था। 15 तारीख को सुबह जब वर्कर गया प्लांट देखने के लिए तो उसने देखा कि दरवाज़ा टूटा हुआ है उसे लगा हवा से गिर गया होगा या कुछ ऐसा तो अंदर गया वॉश बेसिन टूटा हुआ मिला तो कुछ शक हुआ और आके हम लोगों ने सामान चेक किया तो हमें हमारी डायल गायब मिली वहाँ से। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ सूरत।